फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं SBI के शेयर के बारे में। दोस्तों SBI के शेयर ने 198 रुपये पे फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी। 3.65 रुपये बढ़ा है और 2% तक के हमें यहाँ पे गेन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों पहले मंडे की बात करेंगे इस वीडियो में कि मंडे को कैसा शेयर कर सकता है, और भी बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको इस शेयर के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले आपको बस एक छोटा सा काम करना है, प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर हम SBI की बात करें तो देखिए 198 रुपीज़ की क्लोजिंग दी है, 198.40 की, 3.65 रुपये बढ़ा है और 2% तक के गेन दिए। मतलब ये ठीक ठाक बढ़ा था शेयर। लेकिन देखिए एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी, जिस दिन ये शेयर बढ़ा था तो उस दिन उसने 201 तक गया था, और मैं अगर इसका चार्ट देखूँगे तो इसमें सिर्फ डिक्लाइन देखने को मिली है। एक थोड़ी सी ये बात हमें जाननी ज़रूरी है। ये देखिए मैं आपको उसका एक दिन का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिली है और अपने लोएस्ट जोन पे जाके शेयर बंद हुआ है। तो ये शेयर में थोड़ी सी एक डर की बात पैदा करती है। लेकिन देखिए दोस्तों शेयर काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है, शेयर काफ़ी गिर चुका है, तो शेयर में अब गिरने की संभावना देखिए बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। SBI इज़ अ गुड कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नाम अच्छा बैंक है। देखिए ये आप समझ के चलिए, इसके बाद अच्छी खासा अपना रेवेन्यू है, काफ़ी कैपिटल है, तो ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। देखिए दोस्तों लेकिन कंपनी शेयर माफ है, शेयर काफ़ी गिर रहा है बहुत दिनों से। 207 जब इसने अपना हाई बनाया था उसके बाद यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को हमें मिली थी। लेकिन शेयर मुझे लगता है उस समय अपना एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, और अब मुझे अभी शेयर शायद तक और बढ़ सकता है। 200 अगर 200 अपना 207 का ही अपना एक लेवल क्रॉस करता है तो मुझे लगता है ये शेयर 220 तक जा सकता है। ये 207 मान लीजिए कि इसका 208 इसका एक रेजिस्टेंस है, जो अगर ये ट्राई मार्क कर लेता है, पार कर लेता है, तो आई थिंक ये शेयर और बढ़ सकता है और 220 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर इस हफ्ते की बात करें तो शेयर ने आपको काफ़ी अच्छे स्तर पे बढ़ा था, लेकिन देखिए यहाँ से जो गिरावट आई फिर यहाँ से और बढ़ा है शेयर। तो देखिए एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था शेयर, लेकिन सपोर्ट बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा शेयर गिरता जा रहा था। तो यहाँ जो एक लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर इसका एक लेवल मान के चलिए कि एक सपोर्ट चलेगा। तो शेयर देखिए आप 0.97 यानी 1% तक के रिटर्न इसने एक हफ्ते में आपको दिए हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा खास तो नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों अभी शेयर को और बढ़ने में टाइम लग सकता है, ये भी थोड़ी सा आपको समझ के चलना पड़ेगा। एक महीने में देखिए 2% तक के रिटर्न दिए हैं, जब ये यहाँ पे हाई बनाया था तब उसके बाद तब से गिरावट आपको देखने को लगातार मिल रही है। तो अब मुझे लगता है शेयर में थोड़ा बहुत मंडे को हो सकता है। देखिए जो जिस चार्ट देख के ये दिखता है कि थोड़ा सा शेयर गिरने की पोजीशन में था, लेकिन देखिए अभी SBI और जो भी कंपनी है, जो भी शेयर्स हैं, वो निफ्टी बैंक पे ज़्यादातर सपोर्ट ले लेते हैं। अगर निफ्टी बैंक हाई होगा तो ये भी शेयर अच्छा खासा आपको देख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन शेयर में अधिकतर बार अभी पिछला हफ्ता देखिए ख़राब था, तो मुझे लगता है अगला हफ्ता थोड़ा सा इसके लिए पिछले से अच्छा होगा। इसका मतलब 200 का लेवल पार करेगा ये स्टॉक। अगर मैं आपको और बात बताऊँ इस शेयर की, दोस्तों देखिए मार्केट कैपिटल मैं आपको दिखाना चाह रहा था 1737.62 बिलियन है। इंटरप्राइज वैल्यू अच्छी है, टोटल शेयर होल्डिंग अच्छे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। देखिए कंपनी के लिए कोई भी कुछ अभी तक बुरा टाइम नहीं है, और देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा बाइंग चल रही है, मतलब अभी तक शेयर में मुनाफा वसूली हावी नहीं हुई है उस दिन, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू अ पर्सनल कमर्शियल एंटरप्राइजेस लार्ज, तो ये बैंक है, ये इसकी पूरी डिटेल्स है। इसकी न्यूज़ देखें तो देखिए अगस्त 17 में आई थी, तो अब शेयर ठीक ठाक है। आपको बाय करके मैं आपको बताता हूँ आपको कहाँ बाय करके चलना है। आपको 196 तक मुझे लगता है शेयर अभी आएगा, या फिर 194 तक भी आ सकता है, तो वहाँ बाय करके चलिए और 200 का टारगेट लेके चलिए। 200 आपको मुझे लगता है लेवल मिल जाएंगे, 200 से 205 तक के टारगेट्स आपको आसानी से अचीव होते हुए मिल जाएंगे। एक स्टॉप लॉस रख के चलिए 190 का, 190 जैसे आता है शेयर गिरावट देखने को और मिल सकती है, फिर वहाँ पे जाके बाय करिएगा और वहाँ से मुनाफा ना बांध लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मारिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।